हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 के बारे में, जिसकी एसएससी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023 डिटेल चेक करेंगे। अगर हम अथॉरिटी नेम की बात करें यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर हम आर्टिकल नेम की बात करें तो हमारा आर्टिकल एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 के ऊपर रखा गया है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम कॉन्स्टेबल यानी जीडी कॉन्स्टेबल के लिए भर्ती निकाली जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50,187 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। अगर हम नोटिफिकेशन स्टेटस की बात करें तो हमारा नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 फ्राइडे यानी 24 नवंबर 2023 फ्राइडे को रिलीज कर दी जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम डेट जनवरी तो 2024 रखा गया है, यानी जनवरी के महीने में एग्ज़ाम रखा जाएगा। अगर हम अप्लाई कब तक होगी तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि किस महीने से आवेदन चालू कर दी जाएगी। अगर हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हमारा मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 23 साल तक रखा गया है, यानी 18 साल से लेकर 23 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम एस सी एस टी कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 साल और ओ बी सी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जा सकती है। अगर हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023-24 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस, अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है, यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है। अगर हम एससी एसटी एंड ओमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी एसटी एंड ओमेन कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस, यानी एससी एसटी एंड ओमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023 पीईटी की बात करें यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट्स, यानी मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस इन 8.30 सेकेंड्स, यानी फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अगर हम टाइम की बात करें तो 8 मिनट 30 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। अगर हम लद्दाख रीजन कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर 6.30 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, यानी लद्दाख रीजन वाले को 800 मीटर की रेस दौड़ लगानी है, 4 मिनट टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023-24 सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। दूसरे पार्ट्स की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगा। अगर हम तीसरे पार्ट्स की बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगा। अगर हम चौथे पार्ट्स की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के लिए रखा जाएगा। अगर हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023 इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए इस वाले लिंक पर विजिट करके आप यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर विजिट करके आप यहां से ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो जब इसकी लिंक एक्टिव कर दी जाएगी तब यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2023-24 इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, अगर हम अप्लाई मोड की बात करें तो हमारा अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा। अगर हम लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 28/12/2023 रखा गया है, यानी
दिसंबर के महीने में हमारी आवेदन शुरू कर दी जाएगी, दिसंबर फर्स्ट पे आवेदन शुरू कर दी जाएगी और लास्ट पे लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप भी एसएससी जीडी के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ जाकर आप इस फॉर्म की नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।